हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो हम बात करेंगे बुंदेसलीगा की लीग के मैच के बारे में, जो गाइस खेला जाएगा यहाँ से बोरुसिया और आर्मीनिया के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइस इस वीडियो में इन दोनों टीमों के रिसेंट फॉर्म और इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए हैं। और गाइस बात करेंगे जब ये दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइस वो कौन से प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट गोल करते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफ़ी लो सिलेक्शन रहेगा और उन्हें आप अपनी स्मॉल लीग टीम में कैप्टन प्लस वाइस कैप्टन बना सकते हो वीडियो कंप्लीट देखने के बाद और प्लेयर का कंप्लीट रिकॉर्ड देखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले नजर डालते हैं इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस। तो गाइस इन दोनों टीमों के बीच में पिछले 5 हेड टू हेड मैच हुए, जिनमें से बोरुसिया ने 4 मैच विन किए और अभी तक इस टीम के सामने सिर्फ एक ही मैच लॉस किया है। अटैकिंग वाइज बोरुसिया इस टीम के सामने 2.6 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज से गोल करती है और डिफेंसिव वाइज 0.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करती है। मतलब जब बोरुसिया आर्मेनिया के सामने खेलती है तो अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 या 3 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज जल्दी से गोल कंसीड नहीं करती, 2 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है बोरुसिया की ओर से हेड टू हेड में, अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ, तो उस मैच को यहां से बोरुसिया 5-0 से मैच को विन कर गई अपने होम ग्राउंड में, और आज भी इसी का यह मैच होम ग्राउंड में है तो उम्मीद जता सकते हैं कि इस मैच में ये टीम भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है अगेन। और उस मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच में अगेन मैच, और उस मैच को भी यहाँ से बोरुसिया 1-0 से विन कर गया। अटैकिंग वाइज इस टीम ने फिर से एक गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड नहीं किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने खेले और दोनों मैच यहाँ से आप देख सकते हो 2-0, 4-0, मतलब 2-1 और 4-1 से मैच को विन किया। अटैकिंग वाइज इस टीम के सामने कम से कम 2 गोल या एक मैच में 4 गोल भी किए, तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है बोरुसिया की ओर से। और उससे पिछले मुकाबले इन दोनों टीमों के बीच मैच अगेन हुआ और उस मैच का रिजल्ट यहाँ से आपको 1-1 ड्रॉ देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में पेनल्टी में आर्मीनिया 5-4 से मैच को विन कर गई। अगर आप देखा जाए तो यहाँ से क्लियर कट फेवरेट टीम बोरुसिया होने वाली है, क्योंकि बोरुसिया ने इस टीम के सामने अटैकिंग वाइज प्रत्येक मैच में कम से कम 2 गोल स्कोर किए और डिफेंसिव वाइज तो गोल कंसीड नहीं करती, और बल्कि 2 मैच में सिर्फ एक ही गोल कंसीड करती है। तो परफॉर्मेंस हेड टू हेड में यहाँ से बोरुसिया की ओर से काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है अटैकिंग वाइज भी और डिफेंसिव वाइज भी। अब गाइस बात आती है इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पे जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो हेड टू हेड में यहाँ से बोरुसिया क्लियर कट फेवरेट टीम निकल कर आती है। तो गाइस बात करें बोरुसिया करंटली 6 मैच खेल चुकी है, जिनमें से 3 मैच इस टीम ने विन भी किए, 1 मैच ड्रॉ भी खेला, बल्कि 2 मैच इस टीम ने लॉस भी किए। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 1.3 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस बोरुसिया फिलहाल के टाइम पर प्रत्येक मैच में कम से कम 1-2 गोल पर मैच स्कोर करती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज भी कहीं ना कहीं प्रत्येक मैच में गोल कंसीड कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच बोरुसिया यूनियन बर्लिन के सामने 2-1 से मैच को लॉस करके आ रही है। अटैकिंग वाइज बोरुसिया ने 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज 2 गोल कंसीड किया। और उसे मुकाबले बायर लिवरकुसन के सामने ये टीम 4-0 से मैच को लॉस कर गई। बायर लिवरकुसन के सामने इस टीम ने 4 गोल कंसीड किए बल्कि अटैकिंग वाइज गोल नहीं किया। और उस मुकाबले ये बायर मुनिक के सामने खेले और उस मैच को 1-1 से मैच को ड्रॉ खेला। अटैकिंग वाइज 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज भी 1 गोल कंसीड किया। और उससे पिछले 3 मैच ये टीम 1-0, 2-1 और यहां से 2-0 मैच को विन किया। तो परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, बायर मुनिक के सामने भी ये टीम 2-0 से मैच को विन कर गई। तो अटैकिंग वाइज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है और डिफेंसिव वाइज भी अच्छा ही करती है, एक बेहतर टीम के सामने पर मैच में गोल कंसीड करती है, हल्की टीम के सामने थी टीम जल्दी से गोल कंसीड भी नहीं करती। तो यहाँ से बोरुसिया का जो रीसेंट फॉर्म है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है फिलहाल के टाइम पर। अब बात करें आर्मीनिया का जो रीसेंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग जो फिलहाल के टाइम पर परफॉर्मेंस है उसके बारे में। तो गाइज आर्मीनिया रिसेंटली 6 मैच खेले, जिनमें से 1 मैच विन, 4 मैच ड्रॉ और 1 मैच इस टीम ने लॉस भी किया। अटैकिंग वाइज 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया लेकिन डिफेंस वाइज 1.8 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो गाइस ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम 1 गोल पर मैच स्कोर करती है और कभी कभी तो 2 गोल भी कर देती है, लेकिन डिफेंसिव वाइज वही परफॉर्मेंस रहा, अटैकिंग वाइज गोल करती भी है और डिफेंसिव वाइज गोल कंसीड भी कर देती है। अब गाइस बात करें जो पिछला मैच आर्मीनिया फ्रैंकफर्ट के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेलकर आ रही है। अटैकिंग वाइज 1 गोल किया लेकिन डिफेंसिव वाइज भी 1 गोल कंसीड किया। और उससे मुकाबले फिर ये टीम 1-1 से मैच को ड्रॉ खेली, अगेन वही परफॉर्मेंस रहा, अटैकिंग वाइज 1 गोल स्कोर किया और डिफेंसिव वाइज 1 गोल कंसीड किया। और उससे मुकाबले ये टीम 0-0 से मैच को ड्रॉ खेली, तो अटैकिंग वाइज परफॉर्मेंस ना रहा बल्कि डिफेंसिव वाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिला इस टीम की ओर से। और उससे मुकाबले ये टीम
6-3 से ग्रुप कप मतलब जर्मन कप का एक मैच था, उस मैच को ये एक हल्की टीम के सामने 6-3 से मैच को विन कर गई। और उस मुकाबले ये टीम 1-1 से अगेन ड्रॉ खेली और ये एक मैच स्टटगार्ट के सामने खेली और उस मैच को ये टीम 5-4 मतलब 5-2 से लॉस कर गई। तो परफॉर्मेंस इस टीम का भी अच्छा, अटैक वाइज प्रत्येक मैच में गोल करती भी है और डिफेंस वाइज कहने के प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती है। तो गाइस अब बात आती है इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या हो सकता है हमारी शमोलिक टीम क्रिएट करने के लिए ड्रीम 11 पर। तो गाइस हेड टू हेड अगर नजर डाल इन दोनों टीमों की तो हेड टू हेड में बोरूसिया एक क्लियर कट फेवरेट टीम निकलकर आती है। और रीसेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोनों टीमों की जो परफॉर्मेंस अटैक वाइज प्रत्येक मैच में दोनों टीमें गोल करती भी हैं और डिफेंस वाइज दोनों टीमें प्रत्येक मैच में गोल कंसीड भी कर देती हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस मैच में बोरूसिया अपना होम ग्राउंड में खेलेगी इस टीम के सामने, तो कहीं ना कहीं कम से कम 2 गोल इस टीम के सामने करेगी ही और डिफेंस वाइज शायद इस टीम के सामने गोल कंसीड ना करे। तो इसलिए मेरा इस मैच का स्कोर एंड प्रेडिक्शन 2-0 है और 2-0 के प्रेडिक्शन के अनुसार ही मैं अपनी ड्रीम 11 की टीम क्रिएट करने वाला हूं ड्रीम 11 पर। उससे पहले बात करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं बोरूसिया के प्लेयर्स के बारे में, फिर गाइस बात करेंगे आर्मेनिया के जो प्लेयर्स उनके बारे में कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो एक बार नजर डालते हैं बोरूसिया के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले अगर आप नए हो और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। आने वाली जो मैच की वीडियो है वो आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी, काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से हम लाते रहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात ये है, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने टॉप के कमेंट और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे के प्लेयर वाइज कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किया। तो नज़र डालते हैं बोरूसिया के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस बोरूसिया की टीम की तरफ से प्रीवियस सीजन जो हाईएस्ट गोल टेकर थे लार्स, जिसने इस टीम की तरफ से 14 गोल किए लेकिन 6 गोल इस टीम की तरफ से इसने पेनल्टी में किए। तो इसलिए यहां से पता चलता है कि ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट हाईएस्ट गोल टेकर है प्लस फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर भी। तो इसलिए हम अपनी टीम में इसको पिक करके चलेंगे। वहीं पर बात करें मार्कस थुराम, जिसने इस टीम की तरफ से 8 गोल किए तो ये इस टीम की तरफ सेकंड हाईएस्ट गोल टेकर है। और फ्लोरियन जिसने 6 गोल किए और जोनास होफमैन जिसने 6 गोल किए, इन दो में किसी एक को आप ट्राई करना, मैं यहां से जोनास को अपनी टीम में ट्राई करके चलूंगा। वहीं पर बात करें अलेशान पहली, जिसने इस टीम की तरफ से 6 गोल किए लेकिन रिसेंटली पिछला मैच में ये प्लेयर गोल करके आ भी रहा। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर अलेसाने पली भी एक इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। अब बात करते हैं असिस्ट के मामले इस टीम तरफ कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो एक बार नजर डालते हैं। तो गाइस असिस्ट के मामले यहाँ से जोनास होफमैन, जिसने इस टीम की तरफ से गोल प्लस असिस्ट में कंट्रीब्यूट है, तो आप मान सकते हो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट प्लेयर और वाइस कैप्टन आप इन्हें बना के चल सकते हो। डिफेंसिव पॉइंट भी देगा और गोल असिस्ट करने का चांस भी पूरा है। अब बात करें यहाँ से लार्स स्टेंडिल, जो कि इस टीम तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर है प्लस फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर है, तो इसलिए मेरी टीम के फिलहाल के लिए कैप्टन भी है, तो इसलिए हम इन्हें पिक करके चलेंगे। फ्लोरियन जो कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और यहाँ से पैट्रिक हेरमान जिसने 3 असिस्ट किए, बाकी का यहाँ से मार्कस थुराम जिसने 2 असिस्ट किए, बाकी का जो भी प्लेयर्स हैं उनके सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं जो सेकंड टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो एक बार नजर डालते हैं आर्मेनिया के प्लेयर्स के बारे। तो गाइज आर्मेनिया की टीम तरफ जो फिलहाल प्रीवियस सीजन के अनुसार जो हाइस्ट गोल टेकर थे रिट्सू डुआन, जिसने इस टीम की तरफ से 5 गोल किए, और यहाँ से फेबियन क्लोस जिसने 5 गोल किए। अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर निकल कर आते हैं, फेबियन क्लोस एक इंपॉर्टेंट रहेगा, आप यहाँ से रिट्सू डुआन को भी पिक करके चल सकते हो। फेबियन क्लोस क्यों, क्योंकि ये इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल टेकर है, तो इसलिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और यहाँ से सर्जियो कार्डोवा जो कि 2 गोल कर चुका, बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का एक एक गोल है, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। और अब बात करते हैं जो इस टीम तरफ हाईएस्ट असिस्ट कौन से प्लेयर निकाले, तो एक बार नजर डालते हैं यहाँ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनको मैंने टिक किया हुआ और इन्हें पिक करके चल लेना। असिस्ट मामले कौन से प्लेयर निकल कर आते हैं, तो नजर डालते हैं। तो गाइस हाईएस्ट असिस्ट इस टीम तरफ से रिट्सू डुआन, जो कि 2 असिस्ट और 5 गोल, तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहेगा। वहीं पर बात करें फेबियन क्लोस, जो कि 5 गोल और 2 असिस्ट, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। और यहां से एंड्रियस जिसने 2 असिस्ट किए, बाकी के जो भी प्लेयर्स हैं उन सभी का आपके सामने रिकॉर्ड है, आप स्क्रीन शॉट ले लेना। अब बात करते हैं इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन, हमने 2-0 रखा और 2-0 को प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहने वाले इस मैच में जो हमारी शमोलिक टीम है ड्रीम 11 पर, तो नजर डालते हैं ड्रीम 11 की टीम पर। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना। तो गाइस फिलहाल के लिए ये टीम है जिसमें कैप्टन हम लार्स को पिक करके चलें और वाइस कैप्टन जोनास होफमैन को अपनी टीम में बना के चलें। आप यहां से मार्कस थुराम को भी ले सकते हो और यहां से फ्लोरियन को भी अपनी टीम में वाइस कैप्टन दे सकते हो। हम यहां से फिलहाल के उन सभी प्लेयर्स को पिक करके चलें जिनका
रिकॉर्ड काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन आफ्टर लाइनअप जो प्लेयर की पोजीशन वाइज जो टीम रहेगी कि कौन सा प्लेयर कौन सी पोजीशन में खेलेगा, अटैकिंग वाइज खेलेगा डिफेंसिव वाइज खेलेगा, उसका अकॉर्डिंग जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन और टॉप के कॉमेंट में डाल दिया, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और सबसे आसान तरीका वही है हमसे जुड़ने का, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हो तो गाइज अगर सर्च करके ज्वाइन करोगे तो बहुत सारे फैंक चैनल देखने को मिलेंगे हमारे चैनल के नाम से। तो इसलिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका कि आप टॉप के कमेंट और वीडियो को डिस्क्रिप्शन कि नहीं, इन दो में से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आए तो ऑप्शन डिसलाइक का भी है, आप दबा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुद का ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।